जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में 14वें जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल की शुरुआत की गई। पूरा माहौल कोरोना ओमिक्रॉन के विस्फोट के दहशत और गुलाबी नगर में पड़ रही कड़ाके की ठंड से सहमा सहमा नजर आया। कल्पनाएं और तैयारियां बहुत थी। जज्बा ऐसा था कि 750 की क्षमता वाले महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम देश विदेश के फिल्म प्रेमियों की मुस्कान से हाउसफुल हो जाए, लेकिन प्राकृतिक आपदा कारण इसे सीमित करना पड़ा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्घाटन करने और जावेद सिद्दीकी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजने के लिए तत्पर थे, लेकिन कोरोना की चपेट में आने की वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने इसके आयोजकों और सिने प्रेमियों को भेजे संदेश में कहा कि देश विदेश से आने वाले सिने प्रेमियों का मैं जयपुर में स्वागत करता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सीमित दर्शक संख्या के बीच शुरू हुए फिल्म फेस्टिवल और वहां मौजूद चंद सिने प्रेमियों ने परिसर में शो मस्ट गो ऑन के जज्बे से सरोबार कर दिया। इस दौरान बॉलीवुड के जाने माने स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर जावेद सिद्दीकी को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, जिसके फाउंडर डायरेक्टर हनुरोज और प्रवक्ता राजेंद्र बोड़ा ने उन्हें शॉल श्रीफल और सम्मान पट्टिका प्रदान कर फिल्मों में उनके योगदान को चिन्हित किया। हॉल में मौजूद सिनेमा प्रेमियों ने जावेद सिद्दीकी को स्टैंडिंग ओवेशन देकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर जावेद सिद्दीकी ने कहा कि सारी जिंदगी में शब्दों से खेलता रहा, उन्हीं की तिजारत की, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आता है जब लफ्ज कम पड़ जाते हैं और आज वही मौका है। मैं बचपन से आज तक जयपुर की तहजीब, यहाँ की वास्तुकला और संस्कृति के बारे में सुनता आ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि जयपुर जिफ के माध्यम से फिल्मों का नया इतिहास लिख रहा है। इसके बाद समारोह की शुरुआत पद्मश्री गुलाबो सपेरा और उनके साथी कलाकारों की ओर से प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रम से हुई। समारोह के तहत 14 विभिन्न श्रेणियों में कुल 129 फिल्म पुरस्कृत हुई। कुल 129 अवार्ड विजेता फिल्मों से करीब 50 फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री और स्क्रिप्ट राइटर समारोह में आए और लोगों की हौसला अफजाई के बीच शहर के नामी हस्तियों से पुरस्कार ग्रहण किए। विजेताओं को पद्मश्री एस शाकिर अली, पद्मश्री तिलक गीताई, पद्मश्री गुलाबो, बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय, बॉलीवुड सिंगर वीणा मोदानी, कथक गुरु मंजरी किरण महाजनी और सुप्रसिद्ध चित्रकार संजीव शर्मा सहित देश विदेश के 50 से अधिक निर्माता, निर्देशक और शहर के प्रमुख समाज सेवियों और सांस्कृतिक कर्मियों ने अवार्ड प्रदान किए।